प्रदेश के रायबरेली जनपद से बड़ी खबर, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के कोर्ट के आदेश पर आरक्षण सीट घोषित हो गई है। इस घोषणा के बाद किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी के चेहरे में मायूसी दिखी, जिसके बाद आज रायबरेली के जिला डेलमो तहसील के रसूलपुर धरावा से सैकड़ों महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचकर चुनाव में महिला अनारक्षित सीट न होने पर जमकर विरोध किया और कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक महिला अनारक्षित सीट नहीं हुई है। क्या पर्चे आपका? जी भैया, मैं बबलू सिंह निवासी पूरे धोकल सिंह ग्राम सभा रसूलपुर धरावा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ आरक्षण प्रक्रिया में काफ़ी भेदभाव किया गया है, उसी को लेकर के आज हम सारे गाँव वासी आए हुए हैं। क्या भेदभाव किया गया आरक्षण प्रक्रिया को लेकर? आरक्षण प्रक्रिया में 4 तारीख को जब आरक्षण सूची जारी हुई तो उसमें हमारे यहाँ जो अनारक्षित महिला के लिए सीट आवंटित की गई और हमारे यहाँ आज़ादी से लेकर आज तक अभी कभी भी सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित नहीं हुई है। उसी को लेकर के हम सारे ग्रामवासी जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं कि अगर भाजपा सरकार नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहती है तो एक बार महिलाओं को मौका दिया जाए। कहाँ पे? मैं ग्राम प्रधान रसूलपुर धरावा, पूर्व प्रधान तेज बहादुर सिंह। हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। हमारी ग्राम पंचायत रसूलपुर धरावा में 1995 से जो आरक्षण की प्रक्रिया चालू हुई, शून्य मानकर 95 लागू किया गया और 95 फिर 2005 तक सामान्य रहे। उसके बाद 2005 से 2010 तक वो किसको क्या कहते हैं SC महिला रही। उसके बाद 2010 से 2015 तक BC महिला रही। 2015 में शून्य घोषित किया गया, उसमें वो सामान्य पुरुष हुई। अभी हाल ही में जो आरक्षण लागू किया गया था उस आरक्षण में हमारी सीट पहले सामान्य पुरुष बनाई गई, फिर उसको जो है जिले पर बदला गया, उसको महिला किया गया और महिला के बाद अब जब इसमें उसको आरक्षित कर दिया गया तो कम से कम ये तो व्यवस्था होनी चाहिए कि अन्य लोगों को तो 2 बार मौका मिलता, हम लोगों को 1 बार मौका मिलता है। तो अगर 2015 को शून्य क्यों माना गया, ये हमको 2021 से शुरू किया जाना चाहिए था जो आरक्षण मेरे यहाँ लागू हुआ, जो पिछली बार से चला आ रहा है। और बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ की ये स्थिति है हमारे ब्लॉक में कि वहाँ सामान्य की कोई जनसंख्या दर्शाई ही नहीं गई और जिसकी वजह से हमारे यहाँ जब महिला का आरक्षण है, मान लीजिए सरकार कह रही है कि हम सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे यहाँ जो है महिला को अवसर दिया जाए और महिला हमारे यहाँ प्रधान बने तो सामान्य महिला सीट हमारी की जाए। और आज तक कभी हुई नहीं, आज तक महिला सामान्य महिला सीट हमारे यहाँ नहीं हुई, तो इस बार हमको सामान्य महिला सीट हमारे यहाँ की जाए और जिससे कि हमारे यहाँ की जनता एक महिला का भी चुनाव सशक्तिकरण, जो सरकार का वो है कि हम महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी महिला प्रधान बने और उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और महिला सशक्तिकरण में हमारा लोगों का भी योगदान हो। आपके ग्राम सभा में कितने पूर्वे हैं? 12 पूर्वे हैं। टोटल कितने वोटर आपके यहाँ हैं? हमारे यहाँ 2855 वोटर है। किस बिरादरी के लोग सबसे ज्यादा वहाँ पे हैं? सबसे ज्यादा BC हैं। BC जी। इस होली त्रिशूल प्रोडक्ट के साथ देवेंद्र एजेंसी ताड़ी खाना मुरादाबाद। हमारे यहाँ त्रिशूल फिनाइल सैनिटाइजर एवं सभी त्रिशूल उत्पाद उपलब्ध हैं। प्रोप्राइटर स्वर्गीय सुनील महेंद्रू, डिस्ट्रीब्यूटर अंकित महेंद्रू, आशु महेंद्रू। मोबाइल नंबर 8755200900। देवेंद्र एजेंसीज की ओर से सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।